हेलो एवरीवन आप सब कैसे हो तो आज मैं बनाऊंगी एक नए तरीके से पकौड़े ये मैंने कुछ आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के हैं और ये तीन प्याज लिए हैं इनको हम गोल गोल पीसों में कट करेंगे इसको निकाल देंगे पतला पतला गोल गोल पीसों में करेंगे ये देखिए इस तरीके से आप देख सकते हो ये देखिए इस तरीके से अब इनको हम पानी में डाल देंगे ताकि ये काले ना पड़े अब तो प्याज़ की बारी है प्याज को भी गोल गोल पतला पतला काटेंगे ये देखिए इस तरीके से काटनी है एकदम से पतला पतला मोटा मोटा काटोगे तो प्याज अच्छी भी नहीं लगेगी ये देखिए इस तरीके से काटना है कितनी सुंदर लग रही है इधर लिया है मैंने एक कटोरी बेसन और इसमें डालूंगी थोड़ी सी कसूरी मेथी सूरी मेथी से पकौड़े बहुत ही ज्यादा टेस्टी होते हैं स्वाद के अनुसार नमक थोड़ा सा धनिया पाउडर थोड़ी मिर्ची अगर आपको चटपटे पसंद है तो चटपटी कर सकती हो थोड़ी सी हल्दी डालेंगे कलर के लिए ये अजवाइन है पेट के लिए बहुत फायदा करती है इधर चढ़ा दिया मैंने तेल इधर बना लेते हैं फैन इसको अच्छे से मिक्स करेंगे एकदम मज़ेदार पकौड़े बन करके तैयार होंगे आज बिल्कुल नई तरीके से पकौड़े बनाऊंगी, ये देखिए इस तरीके से बनाना है बेटर तो चलिए बनाना शुरू करते हैं एक प्याज का पीस लेंगे और दोनों साइड से आलू लगा लेंगे ये देखिए इस तरीके से लगाना है और इसको घोल में डबोएंगे अच्छे से टिप करके डालेंगे ये देखिए मैंने तेल थोड़ा सा ही किया है आप डीप फ्राई भी कर सकती हो ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं और ध्यान रहे गैस को स्लोई रखना है बिल्कुल ही स्लो रखना है नहीं तो पकौड़े अच्छे नहीं तले जाएंगे कच्चे रह जाएंगे आलू और प्याज और ये देखिए हमारे पकौड़े तैयार हैं खाने वाले भी तैयार बैठे हैं देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हो गए हैं ये लीजिए हरी चटनी के साथ मज़े से खाइए मैं काट के दिखाती हूँ आपको ये देखिए अंदर से कितना अच्छा लग रहा है तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी बता